इस वीडियो में आगे हम फोटो में कौन कौन सी सेटिंग करनी है, वीडियो में कौन कौन सी सेटिंग करनी है, दोनों देखेंगे। दोनों मोड में किस किस सेटिंग से आपको ऑन या ऑफ रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं आगे इस वीडियो की। तो हम इसके फोटो और वीडियो के सेटिंग देखें उसके पहले इसके ऊपर जो फंक्शन दिए गए हैं ये सब सेटिंग्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी बटन्स दी गई है अलग अलग मोड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको धीमे धीमे आप जैसे यूज़ करोगे आप सीख जाओगे। ये वीडियो मोड है जिसका स्क्रीन रिडक्शन, फिर अलग अलग फिल्टर सिक्योरिटी फिल्टर्स है, तो यहाँ पर इसका ऑटो मोड है, और ये जो दो C1 C2 दिया गया इसे आप अलग अलग आप इस पर कोई कस्टमाइज मोड आप यहाँ पर रख सकते हो। और आप पर मेन काम जो आपका रहेगा ये मैनुअल मोड का रहेगा फोटो के लिए, और सेम इधर फिर ये है ये वीडियो के लिए। और जिसके अलावा जो बटन दिए ये ऑन ऑफ करने के लिए दिए, ये फंक्शन सारे लॉक करने के लिए दिए, फिर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप और ऑन करने के लिए है। तो ये तो बात हो कुछ जरूरी बॉडी के जो फंक्शन दिए गए हैं वो सब। बाकी यहाँ पर आप नॉर्मली ISO लाइट और रेड करने के लिए, ये प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है, ये AF ऑन, ये जो स्टिक है, ये मैनुअल फंक्शंस का देखने के लिए, सेटिंग्स करने के लिए है, ठीक है, ये सब है। और यहाँ पर जिसका ऑटो फोकस है आप इसको यहाँ से मैनुअल और ऑटो पर कर सकते हो। इधर कार्ड वार्ड वगैरह का सब दिया गया है, कार्ड और SD कार्ड यहाँ पर लगता है, इतनी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया इसको जो बटन्स दिए गए हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत, और आप इसको जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आप सीख जाओगे। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, हम चलते इसकी फ़ोटो सेटिंग्स पर और वहाँ से हम देखेंगे इसकी फ़ोटो सेटिंग्स में क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये मेन्यू में प्रेस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ से मैनुअल में आना पड़ेगा। आप मैनुअल में आओगे फिर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मेनू में, यहाँ से मेनू में जाएंगे स्टिल इमेज के पहले मेनू में, जो पहली सेटिंग्स है वह इमेज क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पर अगर आप अंदर जाओ तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, JPEG का है, रो का है, C++ रो का है। तो जो JPEG फॉर्मेट है उसमें आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन रो में सब कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि रो फोटोज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एंड इसलिए फाइल साइज भी काफी बड़ी होती है, जबकि C++ रो में फाइल साइज थोड़ी कम होती है। तो अगर आप यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग रखिए, लेकिन यहाँ पर मैं JPEG रखूँगा क्योंकि ज़्यादातर शूटिंग में JPEG में करता हूँ, रो की जब जरूरत पड़ती तो रो में कर लेता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसको लार्ज रखना है ताकि जो सेंसर है वो पूरा यूज़ हो फोटो में। तो आपको JPEG प्लस लार्ज या फिर आप रो प्लस लार्ज आप रख सकते हो। उसके बाद स्टिल इमेज एस्पेक्ट रेशियो इसको 3:2 रखना क्योंकि स्टैंडर्ड यही है। अब चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर, तो यहाँ पर एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, तो यहाँ पर जो भी चीज़ देगी आप इसको ऐसे रखिए। दूसरा ऑप्शन ISO स्पीड सेटिंग्स, तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑटो रेंज है फोटो की आप वहाँ पर इसमें चेंजेस कर सकते हो। देखिए तो मैंने 100 से लेकर 6400 तक रखा हुआ है इसका ऑटो ISO, इसको ऐसे रखना है। बाकी मिनिमम शटर स्पीड आप यहाँ पर उसको भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऑटो पर रखा हुआ है। बाकी ISO स्पीड रेंज, जैसे आप मैनुअल में शूट कर रहे हो तो आप 32,000 तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर इसको भी आपको कम रखना है तो भी यहाँ से आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ISO आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो कि आपको कितने से कितना रखना है ऑटो में, और ऐसे नॉर्मल रखना है तो कितना रखना है, और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रहने जो भी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा ऑप्शन पे, तो तीसरा ऑप्शन फ्लैश कंट्रोल के लेकर है, जिसको हमको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन जो व्यू फाउंडर है, ये जो मीटरिंग मोड यहाँ पर दिया गया है, इसको हम इवेल्यूएटिंग मीटरिंग पे अभी रख रहे हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पर, तो यहाँ पर वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस फोटो में काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पर ऑटो पे रखा हुआ है क्योंकि जब भी लाइट आगे पीछे हो तो अपने हिसाब से कैमरा इसका वाइट बैलेंस मैनेज कर ले। आप इसको सनलाइट में जाओ तो आप ये डे लाइट रख सकते हो, ठीक है, थोड़े वहाँ पर बादल हो तो आप क्लाउड रख सकते हो। आप अगर लाइट के अंदर काम कर रहे हो तो टंगस्टन लाइट, बाकी ट्यूब लाइट है तो वाइट फ्लोर स्क्रीन लाइट आप रख सकते हो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ऑटो पर रखोगे तो कैमरा खुद इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। फिर यहाँ से कस्टम वाइट बैलेंस भी आप रख सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। और बाकी जो कलर स्पेस है उसको sRGB रखना है, पिक्चर स्टाइल ऑटो पर रखना है, क्लैरिटी 0 पे एक्यूरेट है, और क्रिएटिव फिल्टर्स जो भी हैं अब मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हो बाद में, अलग अलग यहाँ पर फिल्टर्स दिए गए हैं। तो ये सब हो गया, अब चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन पर। फिफ्थ में ऑप्शन है पहला लेंस एबरेशन करेक्शन, तो अगर आप रो में शूट करते हो तो आप इसको ऑफ कर दो, और अगर आप JPEG में शूट करते हो तो आप इसको जैसे इसको वैसे ही रहने दो, ठीक है।
और इसके अलावा हाई सो स्पीड में अगर आप रो में शूट कर रहे हो तो ऑफ़ कर दो, क्योंकि वहाँ पर आप ISO जो है अपने हिसाब से आप मैनेज रख सकते हो, वरना काफ़ी ज़्यादा ऑटो में हाई में चला जाएगा और यहाँ से आप डस्ट डेटा डिलीट कर सकते हो। अब चलते हैं छठे ऑप्शन पर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर हम मैनुअल में हैं तो सिक्स ऑप्शन में सारी चीज़ें डिजेबल रहती है, आप इसको ऑटो में यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। तो यहाँ पर सेवन्थ में पहला है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड के अंदर यहाँ पर सिंगल शूटिंग मोड, कंटिन्यू शूटिंग मोड से अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको सिंगल शूटिंग मोड पर रखा हुआ है। अगर आप हाई स्पीड पर कोई शूट कर रहे हैं तो आप इसको हाई स्पीड शूटिंग मोड पर लेकर जा सकते हो, लेकिन मैंने इसको रखा है सिंगल शूटिंग मोड पर। सिंगल शूटिंग मोड में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करते हो तो वहाँ पर उसको वो रखिए। अगर आप बहुत फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स की अगर आप फोटो ले रहे हो तो उसको हम कंटिन्यूस हाई स्पीड पर रखेंगे। इंटरवल टाइमर हमको ऑफ रखना है, लेकिन टाइम लैप्स लेना हो तो इसको इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद हम टाइम लैप्स ले सकते हैं। फिर आएगा बल्ब टाइमर, इसको भी डिजेबल ही रखना है। साइलेंट शटर फंक्शन में अगर फोटोज क्लिक करते टाइम शटर की आवाज़ नहीं चाहिए तब इसको ऑन करो, लेकिन यहाँ पर अभी ऑफ ही रहने दो, वैसे भी ये ऑफ ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा इसका शटर मोड, ऐसे ही रहने दो उसको भी। फिर रिलीज शटर विदाउट कार्ड, इसको खास करके याद रख के हमको ऑफ रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑन है तो इसको सबसे पहले मैं डिजेबल कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपके कैमरे में कार्ड नहीं लगा हुआ है फिर भी आपका कैमरा फोटो लेगा तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि कार्ड ना फ्री फोटोस ले और बाद में फोटोस हम उसको ना ले पाएँ। तो हमको इसको ऑफ रखना ताकि कार्ड ना हो तो फोटो से क्लिक ना हो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं एट्थ ऑप्शन पे। अब यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजर दिया गया है पहला ऑप्शन। अब कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है लेकिन लेंस में है, तो इसलिए हमको IS मोड यहाँ पर ऑन रखना है, ठीक है। ये डिजिटल IS है जो वीडियो के लिए काम आएगा, तो आपके हम यहाँ पर फोटो की बात कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर ऑन रखेंगे। अगर हम वीडियो मोड में जाएंगे तो इसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं अगर हम हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने दो अगर ट्राइपॉड पर शूट कर रहे हो तो। उसके बाद कस्टमाइज कंट्रोल्स की अगर बात करो तो आपको यहाँ पर जो जो कस्टमाइज करना है आप उसको यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद टच शटर ऑफ रहने देना, क्योंकि स्क्रीन पर जब भी आप टच करोगे तो फोटोज़ क्लिक हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि मैं कुछ भी सेटिंग्स में आगे पीछे करूँ और फोटोज़ क्लिक हो जाए, तो इसको हमको डिजेबल रखना है टच शटर को। फिर इमेज रिव्यू में अगर आप जाओ तो रिव्यू ड्यूरेशन जो है वो 2 सेकंड का है, तो अब इसको चाहे आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन रिव्यू ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि फोटोज़ क्लिक होते तुरंत मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, मैं बाद में उस चीज़ को देख सकता हूँ। बाकी अगर व्यू फाउंडर डिस्प्ले की बात करो इसको हमको इनेबल रखना है ताकि व्यू फाउंडर में इन्फॉर्मेशन को दिखाई दे, नहीं तो व्यू फाउंडर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डिस्प्ले तो इसको हमको ऐसे रहने देना क्योंकि ऑलरेडी ये डिजेबल है। फिर मीटरिंग टाइमर, इसको आप ऐसे रहने दो, चाहो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो बट इसको आप ऐसे रहने दो। अब आते हैं हम नाइन्थ ऑप्शन पे। नाइन्थ ऑप्शन में पहला है डिस्प्ले सिमुलेशन। तो डिस्प्ले सिमुलेशन में पहला अगर ऑप्शन है यहाँ पर देखो तो एक्सपोजर प्लस DOF, एक्सपोजर ओनली ड्यूरिंग DOF। तो यहाँ पर हमको एक्सपोजर पर रखना है ताकि जब भी लाइट आगे पीछे हो तो अगर वीडियो ओवर एक्सपोज हो रही तो पता चले, वीडियो अंडर एक्सपोज हो रही तो पता चले, इसलिए हमको एक्सपोजर पर इसको रखना है। OVF सिमुलेशन की अगर बात करें तो इसको हमको ऑफ रखना है, क्योंकि अगर इसको हम ऑफ नहीं रखेंगे तो ये व्यू फाइंडर को लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देगा, जो कि ऐसा नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो शूटिंग इन्फो डिस्प्ले, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है डिस्प्ले वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर टॉगल सेटिंग VF इन्फो टॉगल सेटिंग, इसमें भी वही चीज़ है, इसको ऐसे रहने दो। फिर VF वर्टिकल डिस्प्ले, हमको इसको ऑन रखना है ताकि जब भी वर्टिकल में जाए तो डिस्प्ले व्यू फाउंडर जो है वो वर्टिकल में ही हमको दिखाई दे। बाकी ग्रिड डिस्प्ले आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, तो यहाँ पर 3x3 रखा हुआ है मैंने। बाकी हिस्टोग्राम डिस्प्ले को हमको ब्राइटनेस पे ही रखना है। लेंस इन्फो डिस्प्ले में फोकल लेंथ इनेबल कर देना, इससे कितने mm पर शूट कर रहे हो आपको पता चलते रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है खास करके फोटोज़ में। इसका जो रिवर्स डिस्प्ले इसको ऑन रखना है। VF डिस्प्ले फॉर्मेट में जाकर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वैसे डिस्प्ले परफॉर्मेंस हमको और से ना रख के हमको स्मूथ रखना ताकि हमको परफॉर्मेंस अच्छी मिले, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं 10th ऑप्शन पे। 10th में आपको मूवी रिकॉर्डिंग शायद दिया गया, जहाँ पे यहाँ से आप वीडियो में जो चीज़ें हैं आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हो कि आपको फुल HD में करना है कि 4K में करना है, वीडियो में हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे। उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग जो ऑटो में है इसको हमको रख देना है मैनुअल। तो यहाँ पर अगर जाओ आपको हमको मैनुअल कर देना है। इसके जो माइक का साउंड आ रहा है इसको हमको आके -40 dB पे करना है, तो मैंने इसको ऑलरेडी 40 dB पे रखा हुआ है, हमको इसको मैनुअल कर देना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेवल, विंड फिल्टर, ऑडियो नॉइज रिडक्शन, इसको आप ऐसे ही रहने दो।
इसके अलावा बाकी सब इसमें आप ऐसे रहने दो। हम चलते हैं स्टिल इमेज के दूसरे मेनू पे। यहाँ पर है पहला AF ऑपरेशन, तो इसको हमने वन शॉट पे रखा हो, इसको हम सर्वर पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको वन शॉट में रखोगे तो वन शॉट में फोकस एक जगह लॉक हो जाता है, ऐसे में सर्वर में फोकस शिफ्ट होता रहता है, तो सर्वर ज़्यादा बेटर रहता है। AF एरिया अगर देखो तो यहाँ पर हमको AF एरिया हॉल रखना है ताकि पूरा स्क्रीन में ऑटो फोकस काम करे। इसका सब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट डिटेक्शन ऑन रखना है, आई डिटेक्शन हमको ऑन रखना है, इनेबल रखना है, ठीक है। उसके बाद स्विच ट्रैक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर अगर दो सब्जेक्ट आप साथ में शूट कर रहे हो तो आप यहाँ से उसमें स्विच कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो। थर्ड ऑप्शन में चले तो यहाँ पर भी ऐसे रहने दो, कुछ करना नहीं है। हम चलते हैं नंबर फोर्थ पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में आया तो यहाँ पर टच एंड ड्रैग AF में कुछ नहीं करना है, यही फोकस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा या कम आबाद में कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि फोकस आप बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करो फोकस में। तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। बाकी लिमिट एरिया AF में स्पोर्ट AF पर रहने दो। उसके बाद आता है सेंसिटिव AF PT सेलेक्ट, इसको भी ऐसे रहने दो। फिर ओरिएंटेशन लिंक्ड AF पॉइंट, अगर आप इसके अंदर जाओ ठीक है, तो यहाँ पर हमको सेम फॉर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रखना है। अब चलते हैं हम नंबर फाइव पे। अब नंबर फाइव पे मैनुअल फंक्शन पीकिंग सेटिंग्स फोकस गाइड मूवी सर्वो AF इनेबल। फर्स्ट ऑप्शन में जो भी आप इसको ऐसे रहने दो, मुझे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। फोकस गाइड हमको ऑन रखना है जो भी मैनुअल फोकस करते हैं, ताकि वो हमारी हेल्प करते रहे, तो हम इसको ऑन कर देंगे ठीक है। उसके बाद मूवी सर्वो AF इनेबल रखना है, इससे वीडियो में ऑटो फोकस ऑन रहेगा ठीक है, तो इसको हमको ऑन रखना है। वो हम चलते हैं सिक्स्थ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखो तो सब ऐसे रहने दो, कुछ खास चेंजेस नहीं करना है। बाकी अब चलते हैं हम मेनू थ्री पे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस, इरेज इमेज, रूटेड स्टिल्स, ये सब चीज़ें फोटोज़ के बारे में, तो अगर आपकी फोटोज प्रोडक्ट करनी है तो आप यहाँ से चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको कुछ खास काम है नहीं। हम चलते हैं नंबर टू, तीसरे मेनू के नंबर टू पे। तो यहाँ पर रो इमेज प्रोसेसिंग, तो अगर आप रो में शूट करते हो लेकिन आपको कोई फोटो जेपेग में चाहिए, तो यहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जेपेग में। उसके बाद यहाँ पर कुछ करना नहीं, बाकी सभी सब इसको आप ऐसे रहने। फिर चलते हैं नंबर थ्री पे, यहाँ पर क्रॉपिंग या फिर GIF तो जेपेग कन्वर्ट तो हम करना है, इसको आप ऐसे रहने दो। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर स्लाइड शो, सेट इमेज, सर्च कंडीशन, व्यू फ्रॉम लास्ट सीन, तो यहाँ पर कुछ भी खास काम नहीं है, तो इसको आप ऐसे रहने जैसे है, आप वैसे ही रहने दो। अब चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर प्लेबैक इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी हैं आप इसको चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमको इनेबल रखना हाई अलर्ट ठीक है। प्लेबैक इन्फॉर्मेशन बात करो तो जो भी आपने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के लिए क्या था वही यहाँ पर भी है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब चलते हैं नंबर फोर मैंने बताया पर वाईफाई विद कनेक्शन, एयरप्लेन मोड, वाईफाई सेटिंग्स, ये भी हैं, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर जब आपको ज़रूरत हो आपको फ़ोन से कनेक्ट करने की, तो आप वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। हम आते हैं स्क्रीन सेटिंग पे फिफ्थ मेनू पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दिया गया है, तो इसको आप ऐसे रहने दो क्योंकि फाइल नंबरिंग कंटिन्यूस रहनी जरूरी है। तो आप जब भी फोटोज क्लिक करते हो अगर 1014 आ रहा है तो सेकंड फोटो आप क्लिक करोगे तो उसका 1015 आ गया, इस तरह से सिक्वेंस में चलता रहता है। तो जो सिलेक्ट फोल्डर है उसको ऐसे रहने दो, फाइल नंबरिंग आप कंटिन्यूस रहने दो। उसके अलावा जो फॉर्मेट कार्ड है आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ऑटो रोटेट अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से उस चीज़ को ऑन या ऑफ कर सकते हो। एड रूटेड इन्फो, इसको डिजिबल रहने दो। डेट एंड टाइम एंड लैंग्वेज, यहाँ से आप इसको चेंजेस कर सकते हो। हम आते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पर। तो यहाँ पर वीडियो सिस्टम, अगर आप एशिया में हो, खास करके अगर आप इंडिया में ही हो, तो यहाँ पर आपको वीडियो सिस्टम पाल रखना है। टेक्स्ट साइज अगर आपको छोटी बड़ी करनी हो तो आप यहाँ से वो कर सकते हो ठीक है। मोड गार्ड इनेबल करना तो कर सकते हो। बीप अगर आपको साउंड चाहिए, मैंने यहाँ पर साउंड रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर वो चीज़ कर सकते हो। फिर अगर आप देखो तो वॉल्यूम, अगर आपको कैसे आगे पीछे रखना है, किस चीज़ का, शटर का, फोकस का, टच साउंड्स का, सेल्फ टाइमर का, तो यहाँ से आपको जो जिसका साउंड जैसा रखना हो वहाँ से आप ये कर सकते हो ठीक है। पावर सेविंग मोड में अगर जाएं तो यहाँ पर स्क्रीन टाइमर आप 10 सेकंड में रख सकते हो। स्क्रीन ऑफ अगर आपको डिजेबल रखना हो तो आप उसको रख सकते हो। पावर सेविंग मोड ऑन होते ही या ऑन करते ही स्क्रीन डिजेबल हो जाए। ऑटो पावर ऑफ 30 सेकंड पर आप रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 30 सेकंड रखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन पर अगर आएँ तो इसमें स्क्रीन एंड व्यू फाइंडर डिस्प्ले ऑटो वन पे ही ठीक है, तो इसको वैसे ही रखना है। उसके अलावा स्क्रीन ब्राइटनेस यहाँ से सेट होगा, आप इसको यहाँ से स्क्रीन ब्राइटनेस आगे पीछे आप कर सकते हो। व्यू फाइंडर ब्राइटनेस ऑटो पर रखना है। फाइन ट्यून व्यू कलर ऐसे रहने दो। फिर UI मैग्निफिकेशन डिजिबल रखना है। HDMI रेजोल्यूशन ऑटो पर रखना है ठीक है। चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। तो यहाँ पर टच कंट्रोल स्टैंड रखना है। मल्टी फंक्शन लॉक ऐसे ही रहने देना है। बाकी अगर आपका मैनुअल ऑटो फोकस है, फिर
ऑटो फोकस आपको आगे पीछे करना रहता है बार बार, तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हो। आप उसको इनेबल रखोगे तो वहाँ से स्विच जो दी गई है पीछे, बंद करने के बाद भी आप इस बटन से जो आगे दी गई है ऑटो फोकस आप मैनुअल टू ऑटो स्विच कर सकते हो। बाकी सेंसर क्लीनिंग अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्लीन ना हो या फिर ऑटो क्लीनिंग अगर आपको रखना हो, मैंने 8 पावर ऑफ रखा हुआ था, आप वो रख सकते हो या फिर आप तुरंत भी क्लीन कर सकते हो। उसके बाद चूज यूएसबी कनेक्शन ऐप, तो इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। अब चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन पर, तो यहाँ से आप कैमरा रीसेट कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। यहाँ से कस्टम शूटिंग में अगर आप यहाँ से आपको C1 C2 पर जो भी कस्टमाइज करोगे तो यहाँ पर चीज़ आपको शो होगी, अभी नहीं हो रही है। बैटरी इन्फो, तो बैटरी आपको इसमें LPE 17 मिलती है जो कि आराम से 2-2.5 घंटे चल जाती है फोटोज़ पर, वीडियो में 1.5 से 2 घंटा निकल जाता है। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑथर नेम या फिर कॉपीराइट डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हो इसके वीडियो या फोटो के मेटा डेटा में, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेंज सेटिंग। अब चलते हैं हम ऑरेंज मेनू में, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है एक्सपोजर लेवल इंक्रीमेंट, जिसको 1/3 स्टॉप ही रखो और ISO स्पीड भी 1/3 रखो। इससे क्या होगा, एक बार में 3 स्टेप आगे पीछे होगा। ISO स्पीड में भी ऐसे ही है, तो आप इसको ऐसे रहने दो, उसके अलावा इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बाकी सब ऐसे रहने दो। चलते हैं अब दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर भी ऐसे रहने दो, हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन पे अगर आए तो यहाँ पर भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस अगर आपको कस्टमाइज़ करना हो अपनी ये जो बटन्स दी गई हैं ऊपर, इसमें आप कर सकते हो। हम चलते हैं सबसे पहले उसी में, क्योंकि इसके अलावा बाकी ऑप्शन नहीं है। तो कस्टमाइज अगर बटन्स की बात करें तो जितने भी फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब जो भी हैं, इसमें आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो कि उसको कौन सा फंक्शन देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ से फंक्शन आप देख सकते हो अपने कैमरा के दूसरी स्विच को। चलते हैं अब बैक, कस्टमाइज डायल में भी हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे सेट रहने दो। नंबर 4 है, ऐसे ही इसको रहने दो। फिफ्थ ऑप्शन में क्लियर ऑल फंक्शन, अगर आपको सारे फंक्शन क्लियर करने हो जो भी आपने अभी तक दिए हैं, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं करना। तो ये तो हो गया फोटो की सेटिंग, फोटो मोड में कौन कौन सी सेटिंग होती है। अब चलते हैं हम वीडियो में, देखते हैं वीडियो मोड में कौन कौन सी सेटिंग करनी चाहिए। वैसे फोटो की ये सेटिंग है मोस्टली वही रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो हम फटाफट से वो देख लेते हैं। तो वीडियो मोड में आने के बाद आप इसको यहाँ पर जाइए, यहाँ से आपको शूटिंग मोड चूज करना है, तो यहाँ से आपको मैनुअल रखना है, फिर ऑटो रखना है, फिर एडिटिंग रखना है, जो रखना पड़े उसको रख सकते हो, लेकिन मैनुअल सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऑटो में चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, और HDR पिको में ज़्यादा हेवी फाइल्स बनती हैं और डायनेमिक रेंज थोड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी पड़ती है, और उसको एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए चलाने के लिए, और वीडियो एडिटिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने मैनुअल फंक्शन रखा हुआ है, तो हम चलते सबसे पहले इसके फर्स्ट मेनू के फर्स्ट सेटिंग पर। यहाँ पर शूटिंग मोड मैंने यहाँ पर मैनुअल रखा हुआ है, तो आप इसका देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आओ तो मेरे को मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ यहाँ पर 4K 25 FPS, 4K 50 FPS, Full HD 25 FPS, Full HD 50 FPS, तो यहाँ पर मैंने Full HD 50 FPS रख दिया, ठीक है। फिर हाई फ्रेम रेट अभी हमको ऑफ रखना है। हाई फ्रेम रेट कब यूज़ होगा, जब आप स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करोगे 120 FPS में Full HD में, तब इसका यूज़ होगा, और इसमें कोई साउंड वगैरह भी नहीं आता है। डिजिटल जूम इसको डिजिबल रखना है, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग हमको मैनुअल ही रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया। चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर भी चीज़ें वैसे ही, कुछ भी सेट नहीं करना है। अगर आपको ISO स्पीड सेटिंग वगैरह कुछ करना हो तो यहाँ से आप वो कर सकते हो, लेकिन जो फोटो में वही वीडियो में भी डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर आपको ऑटो रेंज वगैरह ठीक करनी है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 में अगर आएँ तो वीडियो मोड में वाइट बैलेंस आपको जैसा चाहिए आप उसको वैसा कर सकते हो। मैंने उसको यहाँ पर ऑटो पर रखा हुआ है, वाइट बैलेंस करेक्शन, पिक्चर स्टाइल ऑटो पर रखा हुआ है, क्लियरिटी भी ऐसे ही है। इसके बाद नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 में अगर आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करना हो कंट्रोल्स के, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो, जो आप यहाँ के फंक्शंस को अलग अलग कमांड दोगे, ठीक है। इसके बाद शटर बटन फंक्शन फॉर मूवीज, मीटरिंग टाइमर, ज़ेब्रा सेटिंग, शूटिंग इंफ्रा डिस्प्ले, रिवर्स डिस्प्ले, तो यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आप यहाँ से क्विक कंट्रोल अपना कस्टमाइज कर सकते हो। हम चलते हैं अब 7th ऑप्शन पर, तो यहाँ पर VF डिस्प्ले फॉर्मेट, तो यहाँ पर जो भी है, जो भी फ़ोटो में रखा हुआ था आप उसको वैसे ही रहने दो, कोई काम हमको नहीं है। चलते हैं दूसरे मेनू पे, तो यहाँ पर मूवी सर्वो AF इनेबल रखना, क्योंकि सर्वो रखेंगे तो हमारी जो फोकस है कैमरे की वो लगभग सब जगह होगा, ना कि सिर्फ एक फिक्स स्पॉट पर हो। AF एरिया हमको इतना रखना जो हमने फ़ोटो में रखा हुआ था, होल एरिया, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट ट्रैकिंग, सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, आई डिटेक्शन, स्विचिंग ट्रैक्ड सब्जेक्ट्स, ये सब हमको कर देना है ऑन, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, ठीक है। अब चलते हैं AF के दूसरे ऑप्शन पर, तो यहाँ पर मूवी सर्वो AF स्पीड, मूवी सर्वो AF ट्रैक सेंस, मूवी सर्वो AF हमको ऑलवेज ऑन रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो कैमरे के डिस्प्ले में। अब अगर हम जाए थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पर लेंस ड्राइव एन AF इम्पॉसिबल, तो
तो जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, ये जो फिफ्थ सिक्स, ये सब बेसरनेस को चेंजेस नहीं करना है। हम चलते हैं इसके थर्ड मेनू पे। तो यहाँ पर जो भी है आप इसको बेसरने की, जो हमने फोटो में चेंजेस किए हैं फोटो की सेटिंग्स के लिए, लगभग ये वही रहने वाली। तो इसके बाद वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब कुछ है। फिर इन सेटिंग में जो भी है उसको बेसरन देने का है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्रॉपिंग, क्रॉप तुमको करना नहीं है इन्फॉर्मेशन को, बाकी जो भी आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसमें अगर आपको कोई अलग से मेनू टैब बनाना हो तो आप इसका यूज़ करके मेनू टैब बना सकते हो। देखिए अभी इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कैन आर्ट इनके कैमरा की सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। फोटो मोड और वीडियो मोड दोनों में हमने देख लिया क्या क्या सेटिंग हमको रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर कुछ आपको अपनी तरफ से बताना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो भी आप वो बता सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।